नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपुर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। श्री विजयनगर से हमारे संवाददाता बलजिंदर सिंह ने बताया कि श्री विजयनगर में रोडवेज बस स्टैंड पर 20 अगस्त को इंदिरा रसोई का उद्घाटन हुआ। राजस्थान सरकार ने कोई भूखा नहीं सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। मीडिया टीम ने खाने की गुणवत्ता एवं अन्य व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो आपको दिखाते हैं। श्री विजयनगर इंदिरा रसोई के दृश्य। इंदिरा रसोई श्री विजयनगर में रोडवेज बस स्टैंड वाले भवन में संचालित हो रही है, जहां पर प्रातः 8:30 से दोपहर 1 बजे तक का भोजन मात्र 8 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें एक थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती यानी रोटियां दी जाती है। भोजन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 8 रुपये में टोकन लेना होता है। कैमरे के सामने खड़ा होकर व्यक्ति टोकन प्राप्त करने के बाद टेबल पर भोजन प्राप्त करता है, टोकन जमा करवा देते हैं। इसी प्रकार शाम को रात्रिकालीन भोजन व्यवस्था शाम 5 बजे तक रात 8 बजे तक उसी मेन्यू अनुसार भोजन दिया जाता है। इंदिरा रसोई के मैनेजर ने बताया कि यहां हर किसी के लिए भोजन की सरकार ने 8 रुपये में बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी है। यहां आने वाले व्यक्ति को पहले 8 रुपये में खिड़की से टोकन दिया जाता है, फिर रसोई में बड़े भोजन के काउंटर पर टोकन जमा कर हाथ धोकर व्यक्ति भोजन करता है। रसोई में बैठने की व्यवस्था है, पंखे की हवा में बैठकर टेबल चेयर पर शानदार तरीके से हर कोई भोजन करता जैसे है। लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में आपको खाना मिल रहा है, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं? खाना कैसा मिलता है? कोई रोटी ठंडी हो, कोई और हो, कोई सब्जी में कोई कमी है? ना, ना, ना। कोई कमी नहीं है? साफ सफाई में कोई दिक्कत? क्वालिटी में बढ़िया? क्या नाम है आपका? खाना खाने आते हो इधर? क्या रुपए लिए आपसे? 8 रुपये में भरपेट मिलता है? फर्स्ट क्लास है एकदम? खाना खाने आते हो? बहुत बढ़िया खाना है जी। इंदिरा रसोई पे ठीक है खाना? बहुत बढ़िया खाना है। आज लॉकडाउन में कोई फर्क नजर आ रहा खाने में? कोई फर्क नहीं नजर आया। बढ़िया खाना? बढ़िया खाना। कितने रुपए में देते हैं? सिर्फ 8 रुपये। सफाई सफुई कैसे है? सफाई बहुत बढ़िया।